दोस्तों मैंने जनवरी में ओप्पो F15 ले लिया है और इसे लेकर अब तक मुझे 4 महीने 4-5 महीने हो चुके, लेकिन इस फोन के अंदर कुछ सेटिंग्स है जो आपको पता नहीं है, कुछ पता होगी भी और कुछ पता नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ओप्पो F15 के गुप्त सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल AR। तो बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा ओप्पो F15, इसके अंदर के मैं आपको हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ। वीडियो में दूसरी बार बता रहा हूँ आपको, इसमें सभी आपको पता नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ आपको पता होगे लेकिन कुछ आपको पता भी नहीं होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अब होम स्क्रीन पे आ गया हूँ मैं, तो होम स्क्रीन से शुरू करते हैं। तो दोनों उंगलियों से हम होम स्क्रीन को ऐसे बीच में करेंगे तो हमें यहाँ विजेट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम हमारे लेआउट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वो क्लॉक दिखाई दे रहा है ऊपर आपको, उसकी डिज़ाइन वो चेंज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यही रखता हूँ। अब इसके बाद हमें वॉलपेपर का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से हम वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मेरा येलो रख दिया। अब वॉलपेपर को जाने के बाद हम यहाँ पर इफेक्ट में आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम इफेक्ट देख सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ऐसा इफेक्ट आएगा रोलिंग का, क्यूब का, तो मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं मैंने डिफॉल्ट सेट कर लिया। अब इसके बाद हम जाएंगे सेटिंग में, तो सेटिंग में जाने के बाद हमें होम स्क्रीन मोड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसमें दो ऑप्शन मिलेगा हमें, एक ड्रॉअर मोड और एक स्टैंडर्ड मोड। आपको बता दूं मेरा ड्रॉअर मोड है, जैसे देख सकते हैं ड्रॉअर मोड कैसे होता है, ऐसे ऊपर करेंगे हम, पर्दा ऊपर करेंगे तो हमें ड्रॉअर जैसे ऐप्स दिखेंगे। अब स्टैंडर्ड मोड जो वो करते हैं तो हमें उसमें क्या होता है वो भी देखते हैं। होम स्क्रीन मोड पे जाएंगे और स्टैंडर्ड मोड कर देते हैं। अब स्टैंडर्ड मोड कर दिया मैंने, तो देख सकते हैं ऐसे ऐप आएंगे, मतलब ऊपर करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे तो ड्रॉअर मोड ही पसंद है, आपको क्या पसंद है वो सेट कर लीजिए। अब ये स्विच कर दिया मैंने, इसके बाद हम जाएंगे फ़ोन के सेटिंग के अंदर। जैसे कि मैं जाता हूँ सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर जाने के बाद हमें सबसे पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एयरप्लेन मोड। तो हर इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं एयरप्लेन मोड किस लिए यूज़ करते हैं, वो ठीक है। अब उसके नीचे आते हैं ड्यूअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क, तो इसके ऊपर टच करने के बाद ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर आपको स्पीड बहुत चाहिए, आपको मतलब आपको इंटरनेट बहुत हाईली यूज़ करना है, और आपके सिम के अंदर इंटरनेट भी है और आपको वाईफाई भी मिल रहा है, तो ये देख सकते ड्यूअल चैनल एक्सेलरेशन ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये ऑन कर दीजिए, ताकि आपको क्या हो जाएगा, आपको वाईफाई का भी इंटरनेट मिलेगा और आपके फ़ोन का भी इंटरनेट, दोनों एट ए टाइम चलेंगे, यानी कि बहुत फास्ट इंटरनेट चलेगा। लेकिन अगर आपको वाईफाई मिल रहा है तभी कीजिए, नहीं तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपका इंटरनेट जल्दी खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद आपको नीचे आएंगे तो ये ऑप्शन दिखेगा डाटा सेविंग का, यहाँ पर आने के बाद आपका आपका इंटरनेट का डाटा डेली जो जल्दी ख़त्म होता है वो कम खत्म होना चाहिए, वो इसे मैं आपको सेटिंग कर सकते हैं। वैसे इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना दिया है, ऊपर आई बटन आ रहा होगा उस पर भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद ये देख सकते हैं डेली डाटा रिमाइंडर, तो यहाँ पर हम डेली डाटा की लिमिट सेट कर सकते हैं कि हमें कितना हमने डाटा यूज़ किया, मतलब मैंने 500 MB यूज़ किया तो मुझे अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि आपने 500 MB डाटा यूज़ कर लिया, क्या आपको और करना है या नहीं। अब उसके बाद हम चलते हैं, ये तो बता दिया मैंने पूरा, अब उसके बाद हम चलते हैं वाईफाई के ऑप्शन के ऊपर, तो यहाँ पर भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सब कुछ मालूम हो गई। अब हम जाते हैं अदर वायरलेस कनेक्शन के ऊपर, तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर VPN का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट VPN इनेबल कर सकते हैं। आपको कोई भी ये टर्बो VPN जैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो वैसा कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बस यहाँ से पासवर्ड यूज़र नेम डाल के कनेक्ट करना पड़ेगा। इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ऊपर आई लिंक आई बटन आ रहा होगा उसके ऊपर जाकर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि फ़ोन से VPN कैसे चलाते हैं। अब वो होने के बाद हम और नीचे आ जाते हैं और देख सकते हैं नोटिफिकेशन स्टेटस बार, तो इसके ऊपर जाएंगे हम, और ये देख सकते हैं जब हम नया फ़ोन लेते हैं तो इधर हमारा बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाई देता, तो यहाँ से हम इनेबल कर सकते हैं उस ऑप्शन को कि हमने कितनी परसेंट बैटरी यूज़ की वो भी दिखाएगा। और उसके साथ ही साथ शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड ये चालू करेंगे, तो मैं नेट चालू करता हूँ मेरा, यहाँ पर हमें स्पीड दिखाई देगी हमारे इंटरनेट की, बंद कर दिया मैंने, देख सकते हैं आपको स्पीड दिखाई देगी कितनी स्पीड आपको मिल रही है इंटरनेट की। अब और नीचे आएंगे तो स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन ड्रॉ, तो ये नोटिफिकेशन आने के लिए बटन से। उसके बाद टर्न ऑन स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस, यानी कि हमें जब नोटिफिकेशंस आएगी किसी की तो हमारे स्क्रीन पर लाइट आ जाएगी, तो यहाँ से आप वो भी चालू कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं बंद रखता हूँ। अब उसके बाद हम जाएंगे डिस्प्ले और ब्राइटनेस के ऊपर, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे ऑटो रोटेट का, मतलब देख सकते हैं मैं ऐसा फ़ोन करूँगा तो अपने आप रोटेट हो जाएगा, तो ये ऑटो रोटेट का ही वो बंद ही रख दीजिए। अब आ जाएगा ऑटो स्क्रीन ऑफ, कि अपने आपकी स्क्रीन अपने आप कितने सेकंड के बाद ऑफ होनी चाहिए, तो मेरा 30 सेकंड है, आपको जो चाहिए वो सेकंड कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं फॉन्ट में आ जाएंगे, तो आपको डिफरेंट फॉन्ट्स मिलेंगे कौन सा चाहिए, जैसे कि मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, अब देख सकते हैं मैंने मेरा फॉन्ट चेंज कर दिया, अब आप यहीं से आपके फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद देख सकते हैं फॉन्ट साइज को भी आप सेट कर सकते हैं, देखिए डिफॉल्ट मीडियम लार्ज जैसे चाहिए आप वैसे कर सकते हैं, तो फिलहाल के लिए मैं डिफॉल्ट पे रख देता हूँ मेरी। अब ये होने के बाद आप डिस्प्ले साइज को भी सेट कर सकते हैं, देख सकते स्टैंडर्ड, मैं स्टैंडर्ड ही रख देता हूँ, आपको जैसा चाहिए वैसा आप पर्सनलाइज कर लीजिए। उसके बाद नाइट शील्ड का ऑप्शन चालू करेंगे आप, तो रात को आपकी आँखों पर ज़्यादा रोशनी नहीं आएगी, तो आपको जैसा चाहिए देखिए कूल दिख रहा है, तो ये ऐसा दिखेगा ये नाइट शील्ड ऑन करने के बाद। उसके बाद हम जाते हैं
होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन मैगजीन के ऊपर। तो यहाँ पर हमें होम स्क्रीन का मोड, ड्रॉअर मोड पहले से आपको बताया था। ये देख सकते हो होम स्क्रीन का लेआउट 4x6 एंड 5x6, यानी कि एक लाइन में चार ऐप मुझे आप दिखाई दे रहे होंगे, आपको दिखाता हूँ जैसे कि ओपन करके, एक दो तीन चार पाँच है। तो मेरा है 5x6, आप 4x6 भी सेट कर सकते। हम जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर टच करते हैं तो यहाँ पर हम स्टोरेज में जाएंगे। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि हमारे स्टोरेज कितनी बाकी है, क्या हो ये आपको पता नहीं होगा, तो आपको बताता हूँ। क्लीन स्टोरेज, तो यहाँ से हम क्लीन भी कर सकते हैं कि इतनी इतनी क्लियर कर सकते, देख सकते फालतू का डाटा डिलीट हो गया। अब ये होने के बाद हमें देख सकते हैं डेट एंड टाइम की, तो यहाँ पर से हम टाइम चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते, जैसे कि 24 आवर का फॉर्मेट भी हम इनेबल कर सकते। फिलहाल के लिए मेरा 12 घंटे का फॉर्मेट है तो मैं यही रहने देता हूँ। अब देख सकते हैं यूजुअल रेसिडेंस भी आपको बता रहा है, जैसे कि मैं परभनी में रहता हूँ तो मेरा परभनी बताएगा। अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड पे जाएंगे, तो यहाँ पर हम कीबोर्ड की सेटिंग भी कर सकते हैं, ये आपको पता है। अब जाते हैं डाउनलोड मैनेजमेंट के ऊपर, तो हमने क्या क्या डाउनलोड किया ये हमें दिखाई देता है इसके ऊपर। अब हम नीचे आएंगे तो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये अगर हम सेट कर लेते तो हमारा फ़ोन अपने आप हम जो टाइम सेट करते उतने बजे ऑन हो जाएगा होगा, और अपने आप जो टाइम सेट करते उतने बंद हो जाएगा, यानी कि स्विच ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ और स्विच ऑन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये सेटिंग स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है, अगर वो क्लास का टाइम डाल देते तो उतने को बंद हो जाएगा और अपने आप क्लास छूटेगा आपका, तो अपने आप चालू हो जाएगा। जब मैं क्लासेस में जाता था तब मैं ये सेटिंग का इस्तेमाल करता था। अब हम एक्सेसिबिलिटी में जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीफिकेशन का ऑप्शन हमें देख सकते हैं, इसे अगर ऑन करेंगे हम तो हम स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, अब क्रोम ओपन करता हूँ मेरा और कौन सी भी एक टैब देखिए ओप्पो F15 का ही, तो ये हम ऑल में जाएंगे, अब देख सकते हैं यहाँ से जूम कर सकते। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम हमारे स्क्रीन को जूम कर पाएंगे, अगर हम ये मैग्नीफिकेशन का ऑप्शन इनेबल करते तो वो हम कर सकते। अब ये होने के बाद मैं फिलहाल के लिए बंद ही रख देता हूँ इसे। अब ये करने के बाद देख सकते नीचे और आएंगे हम तो हमें ऑप्शन दिखेगा प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, यानी कि हमें जब किसी का कॉल आता है तो हम पावर बटन दबाएंगे तो अपने आप कॉल कट हो जाएगा, ये भी हमें काम का ऑप्शन लगा इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब देख सकते हैं आप डिस्प्ले रैम एंड मेमोरी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा होगा, तो इसे अगर हम बंद कर देते तो यहाँ पर हमें रैम नहीं दिखाई देगी, जैसे इनेबल करते तो हमें कितनी रैम बाकी है वो बता रहा है, जैसे कि 4 GB रैम बाकी थी मेरी वो बता रहा है। अब ये करने के बाद हमें नीचे OTG कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, कौन सता रहा है यार मुझे मैसेज करके, वो छोड़ दीजिए। OTG कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है हमें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन नॉट यूज, ये देख सकते इसे ऑन कर देते हैं तो हम हमारे फ़ोन कोई OTG कनेक्शन से कनेक्ट कर लेते पेंडा ये तो एक्सेस मिल जाता है इस ऑप्शन से। अब हम नीचे आते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर टच करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है ओप्पो F15 में अभी तक एंड्रॉइड 10 और कलर 7 का अपडेट नहीं आया, तो वो कब आने वाला है उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, ऊपर आई बटन आ रहा होगा उस पर टच करके देख लेना। और यहाँ पर जाएंगे तो हमें कोई ट्रायल वर्जन है या नहीं वो भी पता चल जाएगा, यानी कि ट्रायल वर्जन हमें मिलने वाला है कुछ है तो वो भी हम यहाँ से देख सकते।